नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। दोस्तों, खबर राजनीति के गलियारे से, जहां भाजपा के सांसद किरीट सोमैया, जो कि लगातार दूसरों के ऊपर हमलावर होते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमेशा अपने विरोधियों के खिलाफ मोर्चा खोलते रहते हैं, अलग अलग भ्रष्टाचार के उजागर करने की बात करते हैं, वही किरीट सोमैया खुद इस समय भ्रष्टाचार के आरोप में फंस चुके हैं। आपको मालूम होगा, पिछले दिनों कुछ दिनों पहले वसई अंतर्गत, वसई के पूर्व में गलत तरीके से अर्जित की गई जगह जमीन को लेकर एक विवाद सामने आया था। उस विवाद का खुलासा शिवसेना के सांसद संजय राउत ने किया था। और अब जो ताजा मामला सामने आया है, वह मामला है युद्धपोत आईएनएस विक्रांत के रखरखाव के लिए किरीट सोमैया द्वारा जो फंड लोगों से जमा किया गया, उस फंड को गलत जगह इस्तेमाल किए जाने का, ऐसा आरोप किरीट सोमैया और उनके पुत्र के ऊपर लग रहा है कि उस पैसे का उन्होंने गलत इस्तेमाल किया है। तो कहीं ना कहीं किरीट सोमैया की मुश्किलें इस समय बढ़ती दिखाई दे रही है, लेकिन राजनीति जो है वो अपना काम कर रही है। किरीट सोमैया और भाजपा जब सरकार को, शिवसेना को घेरने का मौका नहीं छोड़ती है, तो शिवसेना क्यों अपना यह मौका छोड़ दे। इसी मौके को भुनाने शिवसेना ने शुक्रवार को वसई तहसील कार्यालय के नजदीक में शिवालय पर किरीट सोमैया के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और किरीट सोमैया को जूता मारो आंदोलन किया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं शिवसेना पदाधिकारी किस तरह से किरीट सोमैया के पुतले के ऊपर जूते से मार रहे हैं और कहीं ना कहीं अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, या राजनीतिक द्वेष जो है वो निकाल रहे हैं। हम सभी जानते हैं, जब से बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन टूटा है, दोनों ही पार्टियां कोई मौका नहीं छोड़ती है एक दूसरे के ऊपर लांछन लगाने का या एक दूसरे के खिलाफ आंदोलन करने का। वसई में हुए इस आंदोलन को पालघर जिला प्रमुख लीड कर रहे थे, उनके साथ में वसई तालुका प्रमुख, वसई पूर्व जिला प्रमुख और कई लोग थे, वो इस कार्यक्रम में शामिल थे। इसके साथ सब मिलकर इस कार्यक्रम आंदोलन को अंजाम दे रहे थे। देखिए इस आंदोलन की तस्वीरें और सुनिए इनके बयान। आज के लिए इतना ही, नमस्कार। शिवसेना जैसे महाराष्ट्र में सत्ता में आई, उसके बाद में भाजपा को जो पीला दिखता है ना, सब कुछ पीला काला उस तरह से दिखने लगा, और उसने शिवसेना के ऊपर, शिवसेना नेताओं के ऊपर अपने केंद्रीय यंत्रणा के मार्फत जो अतिशय संस्कृतिहीन कार्रवाइयाँ जो शुरू की गई है, क्योंकि महाराष्ट्र की संस्कृति ऐसी नहीं है, यहाँ पे बहुत राजकारण भी होता है तो बहुत संस्कृति के साथ होता है, लेकिन अभी इन दो सालों में जो केंद्रीय यंत्रणा यहाँ पे दबाव अत्याचार कर रही है, उसका निषेध हम लोग आज इधर कर रहे हैं। उसमें किरीट सोमैया जैसा भड़वा, जो विक्रांत के जैसे नौदल की जो देश की जो संपत्ति, युद्ध नौका है, जो देश की संपत्ति है, उसके नाम पर पैसे लेकर उसमें भ्रष्टाचार करता है, करोड़ों रुपए खाता है, और शिवसेना नेताओं पे झूठे झूठे आरोप करके, जैसे कि यही ईडी और सीबीआई का प्रवक्ता है, ऐसे उनके नाम बताता है, और उन नाम बताने के बाद ईडी और सीबीआई वहाँ पर कार्रवाई करती है, और उसके बाद ये लोगों से पैसे खाकर, वो ईडी और इसमें से तुमको छुड़ाने का बात करके उनसे पैसे ऐंठने का काम ये किरीट सोमैया भड़वा कर रहा है, और महाराष्ट्र में शिवसेना को तकलीफ देने का जो काम कर रहा है, उसके ऊपर उसका बुमरैंग किरीट सोमैया पर उठेगा, और किरीट सोमैया जैसे नीच और नालायक आदमी को हम आज यहाँ पे निषेध, और उसे हमारी महिला आघाड़ी ने उसको चप्पलों से मार कर यहाँ उसका निषेध किया है। भाजपचा जो प्रवक्ता, जो फक्त शिवसेनेची बदनामी करण्यासाठी सोडण्यात आलेले, त्याचा संपूर्ण वसई तालुका शिवसेना जाहीर निषेध करते, आणि त्या किरीट सोमय्याला
चपलाने मारण्यासाठी, त्याला त्याची औकात दाखवण्यासाठी आज एवढ्या मोठ्या संख्येने इथे शिवसैनिक उपस्थित आहे. आपल्याला सर्वांना कल्पना आहे की भारतीय जनता पार्टी केवळ द्वेषाच्या पोटी शिवसेनेवर जो काही सूड उगवत आहे, केंद्रीय ज्या तपास यंत्रणा आहेत त्याच्या मदतीने ईडीचा वापर करून शिवसेनेच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांना, इथपर्यंतच काय आमच्या मुख्यमंत्री आणि त्यांच्या कुटुंबियांनासुद्धा त्यांचा अपमान करत आहे, या सर्वांचा निषेध करण्यासाठी आज आम्ही शिवसैनिक इथे मोठ्या संख्येने उपस्थित राहिलेलो आहोत. काल परवाचीच गोष्ट आहे की जी 1971 साली हिंदुस्थान पाकिस्तानात जे युद्ध झालेलं आणि त्या युद्धामध्ये ज्या INS विक्रांत याने जे शौर्य गाजवलं, त्या INS विक्रांतच्या सुधारण्यासाठी, त्याच्या विकासासाठी या किरीट सोमय्या आणि भाजपाच्या तथाकथित पदाधिकाऱ्यांनी अगदी नागरिकांकडूनसुद्धा पैसे जमवण्यासाठी ठिकठिकाणी रेल्वे स्टेशनवर पैसे गोळा केले, स्वतः विक्रांत नावाचे टी शर्ट घालून आणि डब्बे लोकांपुढे उभा ठेवून त्याने पैसे गोळा केले, मात्र तो पैसा INS विक्रांतच्या सुधारणेसाठी पोचला नाही हे असे त्यांचेच राज्यपाल पत्र दाखल करतात. मग जर स्वतः जो माणूस भ्रष्टाचारी आहे त्याला इतरांचे भ्रष्टाचार उघड करण्याचा कोणी अधिकार दिला? म्हणून आज आम्ही महिला आघाडी आणि सर्व पदाधिकाऱ्यांनी त्यांना जोड्याने मारलेलं आहे. आज फक्त आम्ही प्रतिकात्मक रूप दाखवलेलं आहे, याच्या पुढे जर वसई तालुक्यात किरीट सोमय्याने आला की त्यालासुद्धा आम्ही जोडे मारू, हे आम्ही शिवसेनेच्या वतीने इथे जाहीर करतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. किरीट सोमय्यासारखे नारायण राणे आणि त्याच्या पुत्रांसारखे कुत्रे भुंकायला शिवसेनेवर सोडलेले आहेत. या नालायक लोकांना महाराष्ट्र राज्यात नाही तर देशात सुद्धा संपवलं पाहिजे. आणि म्हणून आपल्या शिवसैनिकांनी आता स्वस्त बसून चालणार नाही, कुठल्याही परिस्थितीत विडा उचलून हे भाजपवाले, मग तो वसईतला गल्लीतला जरी भाजपवाला असला तरी त्याच्या मनात शिवसेनेबद्दल इतका द्वेष भावना आहे. आपण सगळे गेले आता वर्ष अडीच वर्ष बघतोय वसईतला एखादा सामान्य गल्लीतला भाजपवाला ज्याने आपण जोडीला घेऊन फिरवलं आणि पक्ष त्यांचा जिवंत ठेवला, ते सुद्धा आता आपल्यावर भुंकायला लागले. त्यामुळे आता याच्या पुढे एकच ध्येय की ही भाजप महाराष्ट्र राज्यात संपवण्याचं विडा आपल्या शिवसैनिकांनी महाराष्ट्रातल्या उचललेलं आहे. आपण व्हॉट्सअपवर बघता, व्हॉट्सअपवर जे मेसेज येत आहेत, जे मोदी विरोधी किंवा शाह विरोधी महागाई विरुद्ध या सगळ्या गोष्टींचा जो काही व्हॉट्सअप येत आहे ते सगळ्या वसईवर स्प्रेड करा. आणि यांचा नालायकपणा, यांचा कर्तृत्व शून्य कारभार आपण बघताय की डिझेल दर दिवशी 85 पैशाने वाढवायचं, म्हणजे आठवड्याभरामध्ये 5 ते 7 रुपये वाढवायचं, अशा प्रकारे महिन्याभरात जवळजवळ 100 ते 200 रुपयाने महिन्याभरात नाही सॉरी आठवड्यात 1000 रुपयाच्या वर पेट्रोल डिझेल गेलं, हे कशाचं दोतक आहे? पेट्रोल स्वस्त करणारे भाजपवाले. आणि मोहनमोहन सिंगच्या काळात पेट्रोलचे थोडेसे दर वाढले, 10-15 पैशांनी वाढले, तर बांगड्या पंतप्रधान आहेर देणारी स्मृती इराणी आणि त्यांचे महिला नेत्या यांचा निषेध करावा तेवढा थोडा आहे. आज एवढा महागाई वाढते. हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें.